नमस्कार दोस्तों, आजकल जो बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर किसी को लगता है कि कार में डैम्पिंग कराना कितना मजेदार है, कितना अच्छा है। आप किसी से भी, एक तो नया प्रोडक्ट, एक तरीके से हर किसी को अभी आगे पता चल रहा है कि यार कार डैम्पिंग कराते हैं, सर्विस सेंटर वाले या फिर जो एक्सेसरीज वाले होते हैं वहां पे आपको सलाह दी जाती होगी कि भाई अपनी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग करा लो। अब ये डैम्पिंग है किस बला का नाम, कराना फायदेमंद रहता है या कुछ फायदा नहीं है, कितने रुपए की होती है, कौन सी कंपनी की करानी चाहिए और किस गाड़ी के अंदर करानी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिप ऑफ लाइफ। वीडियो पे बने रहिएगा, बड़े काम की ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डैम्पिंग है क्या। डैम्पिंग है दोस्तों जो हमारे गाड़ी के दरवाजे होते हैं, खासकर जो डोर है, बहुत सारे लोग नीचे भी फ्लोर पे भी कराते हैं, फ्लोर का इतना फायदा नहीं होता है, लेकिन जो खासकर दरवाजे होते हैं, दरवाजों का ये गत्ता, प्लास्टिक वाला जो गत्ता है वो निकाल दिया जाता है। अंदर जहां पे भी कोई तार वगैरह होगी या कोई जोड़ होगा, जहां पे वेल्डिंग हो रखी होगी या कहीं पे कोई मेटल आपस में टकराते होंगे, तो एक सीट आती है काफी हैवी, एल्युमिनियम फॉइल जैसी वो सीट होती है, उस पर एक तरफ ग्लू लगा होता है, हैवी सीट होती है, लगभग इतनी मोटी तक सीट होगी वो उस पर चिपका दी जाती है। यहां आप वीडियो भी साथ में चलती हुई देख रहे होंगे कैसे डैम्पिंग की जाती है, वो सीट वहां पे चिपका दी जाती है। उससे होता है क्या है कि गाड़ी के अंदर कोई खड़खड़ फड़फड़ की आवाज नहीं आएगी, लॉन्ग टाइम में भी वो उसको पकड़ के रखता है। दूसरा, जब हम दरवाजा खोलते हैं बाहर की तरफ, तो जब हम गत्ता खोलते हैं तो दरवाजे के जो कट होते हैं, जहां पे कट होता है वहां से साउंड की दिक्कत आती है। मान लीजिए स्पीकर लगा हुआ है, आजकल की जो गाड़ियां हैं उनमें स्पीकर जो है वो डोर में ही फिट होते हैं, और जो वो बेस नहीं बना पाते, यानी कि बास जो है उस स्पीकर की उतनी नहीं आ पाती है उन होल्स की वजह से, जो वो खुला हुआ रहता है दरवाजा, वहां पे भी वो सीट चिपकाई जाती है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कैसे लगाई जाती है दोस्तों। उससे होता क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और जो स्पीकर का साउंड है हमारे, जो हमने स्पीकर फिट कराया, उसका साउंड काफी अच्छा आएगा। ऐसे सोच के देखिए, एक स्पीकर खुले में बज रहा है और एक को आप किसी, क्या बोलते थे पहले जो आता था वो, कोलम, किसी कोलम वगैरह में फिट करके बजाते हैं तो साउंड का फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, जो म्यूजिक का जो साउंड है वो तो काफी परफेक्ट हो जाता है डैम्पिंग कराने के बाद। अब डैम्पिंग करानी किस कंपनी की चाहिए, मैं आपको दो कंपनियां प्रेफर करना चाहूंगा दोस्तों। एक तो आती है पंक ऑडियो की, काफी अच्छी जो उसकी ग्लू होती है वो काफी अच्छी होती है, और दूसरी है फ्यूजन करके नाम है, वरना चाइनीज प्रोडक्ट तो इतने सारे भरे हुए हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो मैंने पूछा है या मैंने कई लोगों से बात की है, ये दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है, क्योंकि जो इनकी ग्लू है, जो इनमें चिपकाने वाला मटेरियल है, वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है और ये उखड़ती नहीं है। वो कराएंगे तो आपकी लॉन्ग लाइफ चलेगी। कितना खर्चा आ जाता है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी है। डैम्पिंग कराने में आपके, अगर नॉर्मल आपकी कोई डिजायर वगैरह गाड़ी है, तो चारों दरवाजों का 5,000 से 6,000 रुपए तक भी खर्चा आ जाता है। बाहर का जो टायरों का साउंड होता है जब गाड़ी चलती है, तो उसमें भी काफी फर्क पड़ता है दोस्तों, उन गाड़ियों में, खासकर जिनमें NVH लेवल काफी होता है, यानी कि अंदर जो बाहर का साउंड काफी आता है, तो उन गाड़ियों में डैम्पिंग कराने का बहुत फायदा होता है। कौन सी गाड़ियों में NVH लेवल ज्यादा पाया जाता है, यानी कि अंदर बहुत ज्यादा साउंड आता है, जिन गाड़ियों की जो मेटल सीट है, बाहर की जो हमारी बॉडी है वो थोड़ी सी पतली होगी, थिन होगी, उन गाड़ियों में साउंड ज्यादा आता है। अब आप मान के चलिए, जैसे हमारे पास नेक्सोन है, तो नेक्सोन की जो बाहर वाली सीट है वो काफी अच्छी है, और नेक्सोन के अंदर जो है पहले ही ऑलरेडी उन्होंने कवर वगैरह, जो फाइबर के ग्लास, फाइबर के जो कवर है वो दरवाजों के अंदर लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो पहले से ही आता है। बहुत सारे लोग जो हैवी मेटल सीट होती हैं उन गाड़ियों में पैसा खर्चा कर देते हैं, जिसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। मैंने नेक्सोन भी चलाई है एक, जिसके अंदर डैम्पिंग हुई हुई थी, कोई खास फर्क नहीं लगा, 1-2% के लिए तो मैं कह नहीं सकता दोस्तों, लेकिन डिजायर हो गई, जैसे एक्सेंट हो गई, जो जिनकी मेटल सीट हल्की है उनमें कराने पे काफी फर्क हमें महसूस देता है। तो आज की वीडियो में मेरा पहला आपसे बताने का मकसद ये है, अगर आपके पास वरना, फॉर्च्यूनर या फिर नेक्सोन, हैरियर या कोई क्रेटा वगैरह जैसे हैवी गाड़ी होती हैं, अगर ऐसी गाड़ियां हैं आप लोगों के पास, तो उनमें आपको कुछ खासा फर्क नहीं दिखाई देगा डैम्पिंग कराने से। और अगर आपके पास हल्की गाड़ियां हैं जिनकी बॉडी लाइन काफी हल्की है, जैसे बलिनो की हल्की है, मारुति की मोस्टली गाड़ियों की जो है बॉडी जो है वो स्टील जो प्लेट होती है वो काफी थिन होती है, काफी बारीक होती है, तो उसमें कराने से एक तो हैवी फील आती है, ऊपर से आपका बाहर का जो साउंड है वो आना बहुत कम हो जाता है, और जो म्यूजिक सिस्टम का साउंड है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। और जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, जिनका मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, फॉर्च्यूनर वगैरह या वरना वगैरह, उनमें ऑलरेडी इतना ध्यान रखा जाता है, भाई महंगी गाड़ी है,
कि बाहर का साउंड ज्यादा ना आए और म्यूजिक सिस्टम भी उनका ऑलरेडी काफी अच्छा होता है। तो किसी अच्छी चीज को छिड़वाने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास कोई हल्की क्वालिटी की गाड़ी है जिसकी जो टीन मेटल सीट है वो हल्की है, तो उसमें कराना आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। अब उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि डैम्पिंग क्या होती है, आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। जानकारी कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा मुझे। और अगर आप मेरे से कोई डायरेक्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो यहां हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके अरुण कुशल खत्री जाके हमें सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज वहां पे भेज सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में जो बेल आइकन आता है वो भी दबा लेना। और इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।